बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वेलकम टू फाइंड गवर्नमेंट जॉब्स। फेडरल डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन ने 253 एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स यानी ईएसटी बीपीएस 14 की जॉब्स अनाउंस कर दी हैं। सिचुएशन वीकेंड आप देख सकती हैं इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर कि ऑल ओवर पाकिस्तान जो कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकती हैं। टोटल 253 जो पोस्ट्स हैं, इसमें फीमेल की 188 और मेल के लिए 65 पोस्ट्स हैं, जो कि मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के अंदर हैं, जिसके ऊपर नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम लोग। तो इसके बाद ये दूसरी बात अच्छी बात ये कि रेगुलर बेसिस पर है, मतलब ये परमानेंट जॉब्स है। और बात करें इसके लिए क्वालिफिकेशंस के लिए की, तो सेकंड क्लास क्लास आर ग्रेड सी, 4 इयर्स बैचलर्स डिग्री, मतलब कोई भी बीएस जो है या इसका इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन किन सब्जेक्ट्स में, वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंसेस, मैथमेटिक्स और इंग्लिश। इन सब्जेक्ट्स के अंदर या इनके जो इक्विवेलेंट डिग्रीज हैं, 4 इयर्स प्रोग्राम है, जो डिग्री होल्डर्स हैं वो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। और जो मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है वो है 30 इयर्स, मतलब 30 साल। और इसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि अपर एज लिमिट इंक्लूडिंग 5 इयर्स जनरल एज रिलैक्सेशन इज 30 इयर्स ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, के मतलब टोटल 30 साल इसकी कट ऑफ जो डेट है, कट ऑफ एज है इसकी 30 इयर्स है। और इसमें 5 साल जनरल एज रिलैक्सेशन भी शामिल है, मतलब कट ऑफ डेट जो 28 फरवरी है, तो उस तक 30 साल से ज्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए। उसके बाद फर्दर डिवीजन दी हुई है कि जो फीमेल के लिए 188 है, उसमें 14 मेरिट पे हैं। इस्लामाबाद के लिए 94 सीट्स हैं, पंजाब की 43 सीट्स हैं। इसी तरह से जो सिंध अर्बन है वो 7 हैं, सिंध रूरल है वो 9 है, केपीके की 10 सीटें हैं, बलूचिस्तान की 5, एक्स फाटा की 3, जीबी की 1 और आजाद जम्मू कश्मीर की 2। और इसी तरह से जो मेल जो मेल कैंडिडेट्स की सीट्स हैं वो है 65। टोटल जो है मेरिट पे 5, इस्लामाबाद की 33, पंजाब की 15, इस तरह से सिंध की 2, अर्बन की 2, सिंध रूरल की 3, केपीके की 3, बलूचिस्तान की 2, एक्स फाटा की 1 और आजाद जम्मू कश्मीर की 1 सीट है। अप्लाई किस तरह से करना है कि आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, तरीका का यही होगा कि आप जो है जो वेबसाइट है etc.hec.government.pk, इसके ऊपर आप जा इसको क्लिक करें तो ये आपको लिंक पे ले जाएगा, वहां जाके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकती हैं। चालान फॉर्म जो इसके लिए रखा गया है वो 800 रुपीज का है, उसमें जाके आप अपना तमाम डाटा फिल करेंगे। सबसे पहले आप अपना अकाउंट बनाएंगे, अकाउंट बनाने के बाद उसमें जो कुछ कॉलम्स हैं वो आपको एडिशनली फिल करने पड़ेंगे, उसमें एजुकेशन का है और बाकी कुछ है। उसमें आप अपना तमाम क्रेडेंशियल्स डालने के बाद साथ में 800 रुपए का जो चालान फॉर्म है वो भी अपलोड करेंगे। और ये चालान आप किस तरह से जमा करवा सकती हैं, ये थ्रू एटीएम या ऑनलाइन डिपॉजिट के जरिए हबीब बैंक लिमिटेड, इसका अकाउंट नंबर गिवन है, इस अकाउंट नंबर के अंदर आप जमा करवा के चालान फॉर्म हासिल कर सकती हैं। और जो ब्रांच कोड है उसके ऊपर 1742 ये मेंशन करेंगे। इसके बाद बात करें इसकी कट ऑफ डेट की, कि लास्ट डेट टू अप्लाई वो है 28 फरवरी 2022, तो इस डेट से पहले पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। इसके बाद बाकी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। फर्दर एक और वेबसाइट दी गई है, वो है fde.government.pk। तो तमाम जो फेडरल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स आपको यहां से भी मिल जाएंगी।